नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। क्या आपको भगवान शिव से जुड़े सपने आते हैं? सपने में त्रिशूल, डमरू, नाग, नंदी, कैलाश पर्वत का दिखना अत्यंत शुभ माना गया है। सपने में शिवजी से जुड़ी इन वस्तुओं का दिखने का अर्थ है कि ये आपका मन शिव शक्ति से जुड़ गया है। शिवजी की कृपा आप पर बनी हुई है। आज हम आपको भगवान शिव के एक ऐसे ही भक्त की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे भगवान शिव ने सपने में ऐसे संकेत दिए थे जिससे उसका भाग्य ही बदल गया। आइए आपको बताते हैं कि उस शिव भक्त को सपने में आखिर ऐसा क्या दिखा था। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक समय की बात है, गाँव में एक शिव भक्त रहता था। वह रोज प्रातः काल में स्नान करके शिव जी की पूजा किया करता था। शिव जी की पूजा किए बगैर वो एक बूंद जल भी नहीं पीता था। उसकी शिव जी पर अत्यंत निष्ठा और भक्ति थी और उसने जीवन में शिव जी के कई चमत्कारों का अनुभव भी किया था। संत अत्यंत साधारण जीवन जीता था। उसने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया था। वो जमीन पर पांव भी बड़ी ही सावधानी से रखता था ताकि भूल से भी उसके पैर के नीचे कोई जीव जंतु ना मरे, क्योंकि वो जानता था कि शिव जी का वास संसार के सभी जीवों के अंदर है। अपने भक्त की भक्ति और श्रद्धा से शिव जी उस पर अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन संत सोया हुआ था, तभी उसके सपने में नंदीश्वर उससे मिलने आ गए। नंदीश्वर के हाथ में एक सूची थी। स्वप्न में नंदीश्वर को देखकर वो संत बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसको प्रणाम करके उसका स्वागत किया। नंदीश्वर ने संत से कहा, मुझे शिवजी ने ये सूची लेकर आपके पास भेजा है। ये उन लोगों की सूची है जो प्रभु से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तभी संत ने नंदीश्वर से वो सूची ले ली और उसमें स्वयं का नाम खोजने लगा। संपूर्ण सूची देखने के बाद भी संत को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस सूची में संत का नाम ही नहीं था। संत नंदीश्वर से पूछने लगा, नंदी महाराज, इसमें मेरा नाम क्यों नहीं है? मैं तो सदा सर्वदा परोपकार में लगा रहता हूँ, गरीबों की सेवा करता हूँ, कभी किसी प्राणी को कष्ट नहीं देता और अपना मन सदैव शिवजी के ध्यान में लगाता हूँ। मैं तो शिवजी से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। ऐसा कहने के बाद नंदीश्वर अचानक गायब हो गए और संत की आंखें खुल गईं। संत पूरा दिन उस स्वप्न को याद करके उदास रहने लगा। जब एक शिष्य ने संत से पूछा, गुरुजी आप उदास क्यों हैं? तभी संत ने कहा, लगता है महादेव मुझसे रुष्ट हैं, मुझसे सेवा में अवश्य कोई कमी रह गई है। इतना कहकर संत शिव जी के मंदिर में जाके रोने लगा। फिर रात को वो संत मंदिर में ही सो गया। उस रात संत को वही स्वप्न फिर से आया और सपने में नंदीश्वर उससे मिलने आए। इस बार भी नंदीश्वर के हाथ में एक सूची थी। नंदीश्वर को देखकर संत ने कहा, नंदी महाराज अब क्यों आए हो मेरे पास? मुझे प्रभु से कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर नंदीश्वर ने कहा, आपको प्रभु से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु को आप पर पूरा भरोसा है। इस बार मैं दूसरी सूची लेकर आया हूँ। इस पर संत ने कहा, आप ये सूची लेकर उनके पास जाओ जिनका इनमें नाम है। तभी नंदीश्वर कहने लगे, इस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। संत ने आश्चर्यचकित होकर वो सूची देखी और फिर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पूछा, क्या ये प्रभु से प्रेम करने वालों की सूची है? तभी नंदी महाराज ने कहा, नहीं, ये तो उन लोगों की सूची है जिनसे देवाधिदेव महादेव प्रेम करते हैं। शिवजी से प्रेम करने वाले तो बहुत हैं, जो ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं स्वयं के स्वार्थ के लिए, उनकी पूजा आराधना करते हैं। लेकिन शिवजी को वही मनुष्य प्रिय होते हैं जो निस्वार्थ रहकर पशुओं की सेवा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और भूखों को खाना खिलाते हैं। प्रभु उनसे कभी प्रेम नहीं करते जो केवल कुछ न कुछ पाने के लिए दिन रात उनका गुणगान करते रहते हैं। ये सुनते ही संत की आँख खुल गई और उसे एहसास हो गया कि शिवजी उससे सबसे अधिक प्रेम करते हैं और फिर से वो परोपकार में लग गया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, परोपकाराय फलंती वृक्षः, परोपकाराय वहंती नद्यः, परोपकाराय दुहंती गावः, परोपकारार्थ मिदं शरीरम्। इसका अर्थ है, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए नदियां बहती हैं, गायें परोपकार के लिए ही दूध देती हैं,
और महाकाल के भक्त अपना जीवन परोपकार में ही बिताते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। महाकाल के भक्त कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप ऐसे ही रोचक कहानियाँ देख सकें। धन्यवाद।